धेय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हट्टी समुदाय या हाटी समुदाय, जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग हो रही है, किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी लद्दाख। इसका उत्तर है सी, यानी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा है कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की इस पर मंजूरी आना अभी बाकी है। हिमाचल प्रदेश के सरकार ने देश के जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिरमौर के ट्रांसगिरी एरिया में रहने वाली हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए एथनोग्राफिकल प्रपोजल भी भेजा है। गौरतलब है कि गिरी नदी सिरमौर जिले की सबसे बड़ी नदी है, जो शिमला के कोटखाई जुब्बल की कुप्पड़ पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह अंततः पांवटा साहिब के पास यमुना नदी में मिलती है और इस नदी में बहुत सी सहायक नदियां शामिल हो जाती हैं, जिनमें से जलाल प्रमुख नदी है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत और विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है डी, यानी पश्चिम बंगाल। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल में सामाजिक सहायता, देखभाल सेवाएं और रोजगार प्रदान करने वाले 400 से अधिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश सेवाएं जय बांग्ला नाम के एक समग्र मंच के जरिए पेश की जाती हैं। पश्चिम बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं, आदिवासियों और अनुसूचित जाति के परिवारों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों के साथ साथ राज्य के आपदा प्रवण तटवर्ती क्षेत्रों के परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन उपायों को समर्थन प्रदान करेगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को किस जगह स्वीकृति दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी भोपाल, सी सूरत या फिर डी जामनगर। इसका उत्तर है डी, यानी जामनगर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। आयुष मंत्रालय के तहत जामनगर में WHO GCTM की स्थापना की जाएगी और यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और एकमात्र आउटपोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। अगर इसके लाभ की बात करें तो यह आयुष प्रणालियों को दुनिया भर में स्थापित करेगा, पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री की गरिमा में उपस्थिति में 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भारत में WHO GCTM की स्थापना की घोषणा की थी। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। G4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, G4 जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील देशों का एक समूह है। दूसरा, G4 के सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और तीसरा, कॉफी क्लब या UFC द्वारा G4 देशों की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का विरोध किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देखते हैं।
चार देशों ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के समूह यानी G4 ने हाल ही में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों के वीटो के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अपने दायित्व के निर्वहन में नाकाम रही है और इस मुद्दे पर व्यापक और गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में जापान के स्थायी प्रतिनिधि किमिहिरो इशिकाने ने यह प्रतिक्रिया सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर अंतर सरकारी बातचीत यानी जो इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन था उसको लेकर अनौपचारिक बैठक में G4 की ओर से बयान जारी करते हुए कहा। इशिकाने ने कहा कि वीटो के इस्तेमाल के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जरूरत के समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने की अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रही है और हमने देखा है कि विभिन्न मौकों पर इसकी विफलता इस महत्वपूर्ण संगठन के औचित्य को प्रभावित करती है और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसलिए वीटो के सवाल पर व्यापक और गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। G4 जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील देशों का एक समूह है और ये सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वहीं कॉफी क्लब या UFC उन देशों का समूह है जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार और G4 देशों की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का विरोध करते हैं। इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, मिश्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे 13 देश सक्रिय रूप से इस कॉफी क्लब में शामिल हैं। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 25 सितंबर 2014 को आरंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दूसरा, यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव द्वारा 10 मार्च को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत कैप्टिव नियोक्ता पहल को बढ़ावा देने पर आयोजित एक वेबिनार की अध्यक्षता की गई। 16 से अधिक सेक्टर कौशल परिषदों और 180 से अधिक हितधारकों ने यानी शेयर होल्डर्स ने इस वेबिनार में भाग लिया था। 25 सितंबर 2014 को आरंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय न कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य निर्धन ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशलों का निर्माण करना और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम की कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीकृत प्लेसमेंट के साथ एक परिणाम केंद्रित डिजाइन है और यह न्यूनतम अनिवार्य प्रमाणन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्लेसमेंट पर जोर के साथ ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। 871 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां यानी PIA, 2381 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लगभग 611 रोजगार भूमिकाओं में ग्रामीण निर्धन युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। कुल मिलाकर 31 जनवरी 2022 तक 11.44 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 7.15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।